सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज हम प्लस टू के जो दूसरा पार्ट है, दूसरा लेसन है, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि एनीज जंग के द्वारा लिखा गया है। और इसे इसकी पुस्तक जो है लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। इसमें निर्दोष बच्चों को कुचल देने वाले गरीब बेरखा का वर्णन किया गया है। इस लेसन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक साहेब ए आलम जो इसका पात्र हैं, जो रेग पेकर हैं, उनका परिवार जो यहाँ रहता है वो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, यानी कूड़ों से छोटी छोटी कोई सामग्री निकाल के उनको बेचते हैं, उसमें अपना क्या है आजीविका का साधन कमाते हैं। और दूसरा जो है वो है मुकेश, जो कि एक बेंगल मेकर के परिवार से संबंधित हैं, यानी चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंधित हैं, वो भी इसमें वर्णन किया गया है। और मुकेश कुमार जो मुकेश हैं, जो अपना काम क्या है पैतृक काम है उसको छोड़ना चाहता है, और वो क्या है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसमें बहुत ही गरीबी रेखा का वर्णन किया गया है। तो आज हम जो दूसरा लेसन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ। लॉस्ट स्प्रिंग इज ए टचिंग चैप्टर बाय एनीज जंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो कि एक छूने वाला अध्याय है, जो एनीज जंग के द्वारा लिखा गया है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द राइटर डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ सम स्लम चिल्ड्रेन। इसके अंदर जो गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। द चैप्टर इज अबाउट द पॉवर्टी ऑफ दिल्ली एंड फिरोजाबाद। इस अध्याय में दिल्ली और फिरोजाबाद के गरीबी का वर्णन किया गया है, गरीबी के बारे में बताया गया है। इन दीज एरियाज, इस क्षेत्र में, इन दीज एरियाज पीपल लीड ए लाइफ ऑफ स्प्रिंग, यानी पीड़िता के जीवन का नेतृत्व करते हैं। साहिब इज रैग पैकर, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला है। ही ऑलवेज लुक्स फॉर गोल्ड इन गार्बेज, वो हमेशा कूड़े के अंदर सोने को देखता है। साहेब डज नॉट वेयर शूज लाइक अदर रेग पैकर्स। साहेब हैं वो दूसरे जो कीड़े कूड़ा जो बीनने वाले हैं उनकी तरह हैं, जूतों को नहीं पहनता है। पीपल थिंक्स, लोग सोचते हैं कि देट इज ट्रेडिशन, लोग सोचते हैं कि यह उनकी परंपरा है जूता नहीं पहनने की। द राइटर क्लेम्स देट इट इज पॉवर्टी, और जो लेखक हैं वो कहता है कि ये तो यानी पॉवर्टी माने गरीबी है। साहेब स्टार्ट्स वर्किंग एट टी स्टॉल, साहेब क्या है एक चाय की दुकान पे काम करता है। ही गेट्स गुड मील्स, वहाँ अच्छा भोजन, एंड 800 रुपीज़ और 800 रुपये उसको जो है महीना पगार मिलती है। बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड एट दिस जॉब, किंतु वो इस जॉब से क्या है इस नौकरी से संतुष्ट नहीं है। ही इज ए सर्वेंट, वो एक नौकर है, एंड नॉट ए मास्टर, ना कि वो मालिक है। द राइटर टेक्स अस टू फिरोजाबाद, यानी द राइटर टेक्स अस टू फिरोजाबाद, यहाँ पर लेखक हमें फिरोजाबाद की ओर लेके चलता है।
द सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। द सिटी, यह नगर जो कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं उनके लिए प्रसिद्ध हैं। द वर्कर्स सिट नियर फर्नेसिस एंड मेक बैंगल्स, यानी जो उस काम करने वाले हैं वो भट्टियों के नज़दीक बैठते हैं और चूड़ी बनाते हैं। देयर इज़ नो लाइट एंड एयर, वहाँ किसी प्रकार की कोई हवा यानी वायु और रोशनी नहीं है। द रिच मिडल मैन एंड पुलिस मैन कीप देम पुअर, जो अमीर हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुलिस हैं, वो भी उन कीप देम पुअर, उन गरीबों को देखते हैं। मुकेश इज ए मेंबर ऑफ बेंगल मेकर्स फैमिली। कुमार भी क्या हैं, एक चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंधित हैं। ही डजेंट लाइक बेंगल्स मेकिंग, बेंगल मेकिंग, वो क्या है, चूड़ियाँ बनाना पसंद नहीं करता है। ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, वो कार को चलाना सीखना चाहता है। एंड बिकम ए मैकेनिक, और वो एक मैकेनिक बनना चाहता है। ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस, ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस, किंतु वो उसके लिए कुछ नहीं तैयारी नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता वो। ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस। द राइटर होप्स, जो लेखक हैं उसकी आशा है कि दैट ही विल श्योरली गेट सक्सेस इन लाइफ, किंतु लेखक को ये आशा है कि उनके जीवन में वो सफलता ज़रूर प्राप्त करेगा, पक्का प्राप्त करेगा। तो ये हमारा दूसरा लेसन था, लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी समरी थी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसे भाई को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भेजें। धन्यवाद।